नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीकेआर किचन में। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बना रहे हैं बेसन के सेव। तो देख लेते हैं सामग्री। ये मैंने 3 कप के करीब बेसन ले लिया है। ये ऑयल लिया है मोइन के लिए, इसे हम जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। लाल मिर्च पाउडर लिया है, सॉल्ट लिया है, इन दोनों को ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ये हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, ये गुनगुना पानी लिया है मैंने, और ये सेव को तलने के लिए ऑयल ले लिया है। और सेव बनाने के लिए हमें इस तरह की सेव बनाने की मशीन की जरूरत पड़ेगी। मार्केट में कई तरह की अवेलेबल है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं उसे। आइए शुरू करते हैं। इधर हम गैस ऑन कर लेंगे और सेव को तलने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे गर्म होगा तब तक हम सेव के लिए डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रश करेंगे ताकि ये अच्छा फ्लेवर दे। ये बेकिंग सोडा, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ, आपको तीखा पसंद है तो आप 3 भी डाल सकते हैं। सॉल्ट भी मैं इसमें लगभग 2 स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें ऑयल डालना है हमें, मैं इसमें पहले 2 स्पून डालूंगी, फिर हम इसे मिक्स करके देखेंगे। अच्छी तरह मिला के हमें देखना है, अगर हमारा बेसन इस तरह पकड़ने पर बाइंड हो जाएगा यानी कि हमारा मोइन बराबर है, उतना ही मोइन हमें डालना है कि हमारा बेसन मिक्स करने पर जिस तरह लड्डू बाइंड होता है उस तरह बाइंड होना चाहिए। तो देखते हैं हम कितना लगता है हमें इसमें। मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल और ऐड कर रही हूँ, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें 4 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है बेसन को, और अब हम बाइंड करके देखते हैं तो ये हमारा डो एकदम परफेक्ट है। बेसन को इस तरह मुट्ठी में लेने पर ये लड्डू की तरह बाइंड होना चाहिए, यानी ये परफेक्ट हमारा इसमें मोयन है। 4 चम्मच काफी होगा इस आटे के लिए। अब मैंने ये गुनगुना पानी लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे रोटी से भी सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि बेसन कम पानी लेता है। थोड़ा थोड़ा मिला के हमें इसे मिक्स करते जाएंगे और एकदम सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इस तरह का डो बना लिया है। अब इस डो को हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छा हो जाए, सॉफ्ट हो जाए एकदम। दस मिनट हो गए हमारे डो को, अब हम मशीन में डो भरेंगे। पहले हम हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे थोड़ा ताकि हमारे हाथ पे चिपके नहीं डो। बैटर लेंगे और उसे रोल करेंगे ताकि वो इजीली मशीन में आ जाए। इस तरह मशीन में भर देंगे, जितना मशीन में आ जाए हम उतना डो ले लेंगे। डो को मशीन में भर देंगे। मशीन को और जाली को दोनों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है मैंने, अब इसको बंद कर देंगे। हमने डो को मशीन में भर लिया है, हम ऑयल देखते हैं, हीट आ रही है यानी ऑयल हमारा गर्म है, फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा बैटर डाल के हम इसमें देखेंगे, ये तुरंत ऊपर आ गया है यानी कि हमारा ऑयल बिल्कुल ठीक है, हम इसमें अपने सेव तल सकते हैं। हम सेव तलना शुरू करते हैं, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। जितने एक बार में कढ़ाई में आ जाए हमें उतने सेव इसमें डालने हैं। ये सेव जब तल के ऑयल के ऊपर की तरफ आ जाएंगे तब हम इसे पलटेंगे, यानी एक तरफ से तो अच्छी तरह से सिक जाएंगे।
फ्लेम को हमें मीडियम रखना है ताकि सेव थोड़ा क्रिस्पी बने। फ्लेम अगर हम तेज पर रखेंगे तो सेव फटाफट से सिक जाएंगे ऊपर से और वो क्रिस्पी नहीं होगी। ये देखिए हमारी सेव लगभग एक तरफ से सिक गई है, ये ऑयल के ऊपर आ गई है एकदम। तैरते हुए हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सेव की। ये देखिए हमारी सेव दूसरी तरफ से भी सिक गई है अच्छी। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे, एक्स्ट्रा ऑयल पूरा निकाल देंगे साइड में करके। हमें इसे ज्यादा देर तक नहीं तलना है वरना इसका कलर अच्छा नहीं होगा, डार्क ब्राउन हो जाएगी ये। हमें इसका यही कलर रखना है। बाहर निकाल देंगे हम इसे, एक्स्ट्रा पूरा ऑयल निकाल देंगे, प्लेट में ले लेंगे। इसी तरह हम सारे सेव तल के तैयार कर लेंगे, दूसरा बैच भी तल लेते हैं। इसी तरह मशीन को राउंड राउंड घुमाना है आपको और जितना कढ़ाई में आ जाए उतना सेव निकाल लेना। ये देखिए ये वाली सेव भी तल के ऊपर की तरफ आ गई है। हमारे झाग एकदम सेव कढ़ाई में डालते हैं ऊपर झाग आते हैं तो वो झाग एकदम खत्म हो जाते हैं, यानी कि हमारा एक तरफ के सेव सिक गया है, झाग खत्म हो जाते हैं और सेव तल के ऊपर की तरफ आ जाती है। तो हम इसे पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। दूसरी तरफ से भी सिक गई है, एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के प्लेट में ले लेंगे और इसी तरह हम सारे डो का सेम बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह सारे सेव बना लिए हैं, ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक पूरी तरह ठंडा होने देंगे, फिर हम किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे भरेंगे और एक बार इसे बनाकर हम 1.5 महीने तक हम इसे आराम से यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।